स्टूडेंट कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण बता रही हूँ। यह रोकड़ प्रवाह विवरण वह विवरण है जो दी हुई अवधि में किसी उपक्रम के रोकड़ के स्रोतों तथा प्रयोगों को प्रदर्शित करता है। रोकड़ प्रवाह के दो प्रकार होते हैं, अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है कितना रोकड़ व्यापार में आ रहा है और आउटफ्लो का मतलब होता है कितना जा रहा है। इसमें तीन एक्टिविटी होती हैं, सबसे पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी करा रही हूँ। ये 2010 के में प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में, निम्नलिखित शेषों में संचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। संचालन यानी ऑपरेटिंग, हमें ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, इसमें केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। करंट एसेट यदि बढ़ी हुई है तो हम माइनस करेंगे, अगर घटी हुई है तो उसे हम प्लस करेंगे, और करंट लायबिलिटी में अगर माइनस है तो हम माइनस करेंगे, अगर बढ़ी हुई है तो हम बढ़ाएंगे। ये इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी करंट एसेट और लायबिलिटी ज्ञात करते हैं। देनदार डेप्टर कौन होते हैं, जिन्होंने उधार माल हमसे लिया है या पैसा लिया है, ये हमारी करंट एसेट है। बीआर भी करंट एसेट होती है। क्रेडिटर जिनसे हमने उधार माल लिया है तो ये लायबिलिटी है, क्योंकि हमें दायित्व को पे करना है। बीपी ये करंट लायबिलिटी है। और अदद भी है, आउटस्टैंडिंग यानी जो हमें चुकाना बाकी है, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। पुरदत्त भी है, जो हमने एडवांस में पेड कर लिया, ये हमारी करंट एसेट है। और उपार्जित आय, जो हमने कमा तो लिया धन लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, ये भी हमारी करंट एसेट है। अग्रिम प्राप्त आय यानी इनकम रिसीव इन एडवांस, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। अब हमने इसे क्लासिफिकेशन कर लिया, अब हमें देखना है कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। देनदार 50,000 थे 2008 में और 9 में 47,000 थे। 50,000 थे और 9 में 47,000 हो गए, 3,000 का डिफरेंस है, 3,000 है, 3,000 कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो हम अपोजिट 3,000 को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट अगला है बीआर, बिल रिसीवेबल करंट एसेट होती है। 10,000 की 12,500 हो रही है, बढ़े हुए हैं, कितने बढ़े हुए हैं 2,500, जब बढ़े हुए हैं तो हम माइनस कर देंगे 2,500। नेक्स्ट क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी में 20,000 थी, करंट लायबिलिटी 20,000 थी और 25 हो रहे हैं अगले वर्ष, 5,000 बढ़े हुए हैं तो हम एसेट को बढ़ा देंगे। अब बीपी बिल पेबल 8,000 थी और अगले साल 6,000 हो गई, 2,000 घटी हुई है लायबिलिटी है तो घटा देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होती है, 1,000 थी 1,200 हो रही है, 2,200 रुपए बढ़े हुए हैं तो हम लायबिलिटी में सीधा सिस्टम बढ़ा देंगे। पुरदत्त व्यय को कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे 800 रुपए थे और कितने हो रहे हैं 700 हो रहे हैं, पहले 800 थे अब 700 हो रहे हैं, 100 रुपए घट रहे हैं तो उल्टा करेंगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये हमारी करंट एसेट है। उपार्जित आय हमारी करंट एसेट होती है, 600 रुपए थी 750 हो रही है, 150 रुपए बढ़ रहे हैं तो घटा देंगे। अग्रिम प्राप्त आय हमारी करंट लायबिलिटी होती है, 300 रुपए थी अगले साल 250 है, 50 रुपए कम हो रहे हैं तो हम इसको लायबिलिटी है तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ प्रश्न पे, ये इसका परफॉर्मा है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर अगर लॉस होगा तो हम ब्रैकेट में करेंगे, प्रॉफिट है तो हम प्लस में करेंगे। यहाँ दे रखा है
वर्ष के अंतर्गत अर्जित लाभ 1,30,000। तो 1,30,000 हम इसे सबसे ऊपर लिख देंगे। अब हमें यहां पर ऐड करेंगे डिक्रीज करंट एसेट, इंक्रीज करंट लायबिलिटी, यानी डिक्रीज मैंने घटी हुई तो हम एसेट लिखेंगे और बढ़ी हुई लायबिलिटी लिखेंगे। अब देखिए प्लस के अमाउंट में क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ डेप्टर्स आ रहा है। डेप्टर्स कितना है? डेप्टर्स 3,000 है। तो सबसे पहले 3,000 लिख देंगे। अब यहां क्रेडिटर भी प्लस में है तो क्रेडिटर लिख देंगे। क्रेडिटर कितना आ रहा है? 5,000 हम यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट आपका प्लस में आ रहा है अदद व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो आपका 200 रुपए है, 200 रुपए हम यहां पर लिख देंगे। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका 100 रुपए है तो हम 100 रुपए लिख देंगे। यानी जो हमारी ये प्लस की अमाउंट है वो हमने लिख दी, इसको हम जोड़ देंगे। इसका जोड़ जो है 8,300 आ गया। ये प्लस के हैं और ये भी प्लस प्लस प्लस, इसको जोड़ देंगे 1,38,300 इसका योग आ गया। अब लेस होता है डिक्रीज करंट लायबिलिटी और इंक्रीज करंट एसेट। यानी अगर बढ़ी हुई तो एसेट को, डिक्रीज करंट लायबिलिटी यानी घटी हुई दायित्व को और बढ़े हुए हम संपत्तियों को घटाएंगे। अब इसमें माइनस में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले बीआर कितना है माइनस में? 2,500। सेकंड बीपी, बिल पेबल 2,000 है। नेक्स्ट एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 150 है। अग्रिम प्राप्त आय, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस 50 रुपए है, इसको हम ये सब ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि ये माइनस के हैं। अलग से पता चल जाता है अगर हम ब्रैकेट में करते हैं कि ये माइनस होना है। इसका जो योग है वो आ गया आपका 4,700। ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। प्लस वाले में से माइनस वाला घटा देंगे। इसे घटाने के बाद आपका योग आएगा 1,33,600। ये आपके प्लस के आएंगे। तो ये प्लस के हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। थैंक यू।